हेलो झारखंड, एली जी में आप सभी का स्वागत है। आप है मेरे साथ 5000 प्लस झारखंड जीके सीरीज के डिस्कशन में, जिसका यह पार्ट नंबर 4th है। इसका पार्ट 3 आप लोग देख लीजिएगा, उसमें जो झारखंड का सेंसस का डेटा है 2011 का, उसको डिस्कस किया गया है, और आज इसका पार्ट 2 को डिस्कस करूंगा। तो पार्ट 1 आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोग अच्छा से सेंसस को कनेक्ट कर पाइएगा। बाकी जो सेंसस का डेटा है, चाहे वो झारखंड का हो या फिर सेंट्रल डेटा हो, अभी 1 से 1.5 साल आपको और याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बोला जा रहा है 2024-25 तक जो है से 2021 में जो जनगणना होने वाला है उसका डेटा आएगा। तो 1 से 1.5 साल अभी पुराना ही डेटा आपको याद करना होगा। इस क्लास में मेरे रूप से जो सेंसस 2011 है झारखंड के परस्पेक्टिव में, उसको डिटेल में कवर करूंगा। साथ ही साथ बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दरोगा यानी कि एसआई परीक्षा 2017 से इंक्लूड किया गया है। इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल रहता है। बहुत सारा चीज़ आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है, तो टेलीग्राम से कनेक्ट जरूर रहिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये लेक्चर जो है आपको झारखंड के किसी भी एग्जाम में काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, तो एंड तक बने रहिएगा। इस पूरा सीरीज आप लोग जरूर देखिएगा, जो 5000 प्लस सीरीज आ रहा है उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गियर अप। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड गठन के पश्चात अब तक कितनी बार चुनाव हो चुके हैं? तो 5 बार जो है झारखंड में अब तक चुनाव हो चुका है। जो लेटेस्ट चुनाव 2019 है उसको पांचों विधानसभा चुनाव कहा जाता है, और यह 5 चरण में संपन्न हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो है सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि वर्तमान में जो है रूलिंग पार्टी है। झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वह जनवरी 2013 में लगाया गया था। पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वह 19 जनवरी 2009 को लगाया गया था। उसके बाद जो है से जून 2010 में लगाया गया, और फिर जो है से आपको 2013 में लगाया गया था, जनवरी 2013 में। तो 3 बार झारखंड में अब तक जो है से राष्ट्रपति शासन लग चुका है। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था पंजाब में। राष्ट्रपति शासन लगता है, अंग्रेजी में इसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, या फिर स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 के तहत लगता है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के चलते लगता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है, जो कि भारत में अब तक एक भी बार नहीं लगा है। चना, मक्का, बाजरा, मूंगफली में से कौन सी रबी फसल झारखंड में उगाई जाती है? तो वह रबी फसल चना है। बाकी याद रख लीजिएगा, चना का सबसे ज़्यादा उत्पादन पलामू डिस्ट्रिक्ट में होता है। चना के साथ साथ मक्का आप लोग बोल दीजिए, ग्रेफाइट होता है, तिलहन होता है, उसके बाद सरसों है, इस सब का सबसे अधिक उत्पादन पलामू डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए क्या है, AIADA, BIADA, RIADA और JIADA में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है? यहाँ पे वो लाइनर लिया गया है, तो शॉर्ट में इसको लिखा गया है। जब क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो लिखा हुआ था जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके लिए लिखा गया था। तो यहाँ पे देखिएगा तो एक औद्योगिक क्षेत्र जो है सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है, कौन नहीं है? तो वह जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसा कोई अथॉरिटी नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। जो काम करता है इस रीजन में उसको बोलते हैं आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, न कि JIADA जैसा कोई जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया अथॉरिटी है, ये बात ध्यान रखिएगा। जमशेदपुर में आदित्यपुर ही काम करता है। टोटल 4 इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है झारखंड में, जो कि आगे मैं बात करूंगा। फॉर द टाइमिंग आप लोग याद रख लीजिएगा, सबका फुल फॉर्म भी ऐसे एग्जाम में पूछ देता है ना। AIADA है, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है। BIADA मतलब होता है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये है रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऐसे JIADA एक फुल फॉर्म होता है, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसा कोई अथॉरिटी नहीं है। नेक्स्ट है, दलमा वन जीव अभयारण्य चारों ओर से किन पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो यह दलमा हिल्स से घिरा हुआ है। मेन रूप से देखिएगा तो यह पूर्वी सिंहभूम में लोकेटेड है, दलमा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, मेन रूप से एलिफेंट्स के लिए यह है फेमस। नेक्स्ट है, 1991 में बोकारो जिले की स्थापना के लिए ग्रिड से कितने ब्लॉक लिए गए थे? 6 ब्लॉक से बनाया गया था बोकारो जिला को। बाकी याद रखिएगा, ये जो है ग्रिड से 6 ब्लॉक लिया गया था, और धनबाद से 2 लिया गया था। दोनों आ चुका है अलग अलग क्वेश्चन करके, कि जो है ग्रिड से कितना लिया गया था और धनबाद से कितना लिया गया था, तो 6 इसे लिया गया था और धनबाद से जो है से 2 लिया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। चतरा जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो चतरा जिला जो है से पहले देखिए, जो एसआई 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय देखिए तो आपको आंसर मिलेगा NH99 और NH100, लेकिन अब जो है से NH99 का नाम जो है से NH22 हो गया है, और NH100 का नाम NH522 हो गया, 522 है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी झारखंड का जो सबसे लंबा राजमार्ग है नेशनल हाईवे, वो NH32 है, 33 है, उसका नाम NH22 कर दिया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा।
झारखंड के किस मंदिर में श्रावण श्रावण या फिर सावन बोलिए का प्रसिद्ध मेला लगता है? तो सावन का जो प्रसिद्ध मेला लगता है वो बैद्यनाथ मंदिर में लगता है, जिसको बाबा धाम कहा जाता है। ठीक है, कहाँ लगता है? तो ये देवघर में लगता है। ये पता होगा आपको, 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठों में से एक और ऐसा एकमात्र है भारत में, इसलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है पूरा देखिएगा तो भारत में, और वर्ल्ड फेमस भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। पूर्वी सिंहभूम झारखंड के किस हिस्से में है? तो पूर्वी सिंहभूम दक्षिणी पूर्वी हिस्से में है। पूर्वी सिंहभूम इधर साइड में है झारखंड का, देखिएगा तो इस तरह से जो है से इसका लोकेशन आ जाएगा दक्षिण साइड में और इस साइड में, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। गढ़वा जिले की स्थापना के लिए पलामू से कितने ब्लॉक लिए गए थे? तो 8 ब्लॉक जो है से लिया गया था। गढ़वा जिले की स्थापना 1 अप्रैल 1991 को किया गया था, ध्यान रख लीजिएगा गढ़वा जिला। समुद्र तल से पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? पारसनाथ जो है से झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, तो 4431 फीट इसका ऊंचाई है। देखिए ये क्वेश्चन में आप लोग कहीं कहीं डाउट हो सकता है, आप लोग को कहीं कहीं 478 जो है से फीट भी मिल जाएगा। ओके ना, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग जाइएगा तो इसको 1365 मीटर नहीं 1350 मीटर लिख के रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कन्वर्ट कीजिएगा फीट में तो 4431 आता है, और 1365 के अकॉर्डिंग कीजिएगा तो 4478 जो है से आता है। तो दोनों तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो माइंड में कन्फ्यूजन मत रखिएगा। अगर 1350 लीजिएगा तो 4431 आएगा, और अगर 1365 लिया जाता है तो 4478 आता है, ठीक है मीटर में, और ये आएगा फीट में। तो सबको ध्यान रखिए, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा चुका है, ऑप्शन में नहीं था 4478। गोड्डा जिला कब अस्तित्व में आया? तो गोड्डा जिला 25 मई 1983 को बनाया गया था, ध्यान रख लीजिएगा। गोड्डा जिला ये भी है संथाल परगना में ही पड़ता है, और यहाँ पे माँ शक्ति माँ योगिनी शक्तिपीठ है, जिसको कभी कभी बावना शक्तिपीठ भी कहा जाता है, लखन पहाड़ी विलेज में है, और अडानी का एक पावर प्लांट भी यहाँ पे गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में है। सिमडेगा जिला गुमला से कब अलग किया गया था? तो 30 अप्रैल 2001 को जो है से सिमडेगा जिला को गुमला से अलग किया गया था, बाकी गुमला को रांची से अलग किया गया था 1983 में, ठीक है, और लोहरदगा को भी 1983 में ही अलग किया गया था। किस वर्ष JACA इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन हुआ था? इसको बोलते हैं झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, तो ये जो है से हुआ था 2013 में। यहाँ पे पहला मैच जो हुआ था वह इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था 2013 में। संथाल जनजाति का कौन सा त्यौहार सोहराई कहा जाता है? तो सोहराई जो है से एक फसल पर्व है, इसको किसानों के त्यौहार को सोहराई कहा जाता है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। तो जिस तरह से तमिलनाडु में पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है, झारखंड में सोहराई सेलिब्रेट किया जाता है। थोड़ा सा आप लोग कॉमेडी टैब से भी कनेक्ट रहिएगा, काफी ज्यादा क्वेश्चन वहां पे भी आपको दिया जाता है। हंट के लिए तैयारी करने के कार्य किस नृत्य के रूप में दर्शाया जाता है? हंट मतलब शिकार करने के लिए, तो एक हुंटा नृत्य होता है जिसमें दिखाया जाता है कि हम लोग जो है से हंट के लिए यानी कि शिकार के लिए तैयारी कर रहे हैं। पूर्व में कौन सा विश्वविद्यालय तिलका मांझी विश्वविद्यालय का हिस्सा था? तो सिद्धो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी है, इसका लोकेशन दुमका में है। 1992 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो पहले तिलका मांझी विश्वविद्यालय का हिस्सा था, बाद में जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो इसको अलग जो है से यूनिवर्सिटी बना दिया गया, सिद्धो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी ऐसे इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में। बाकी तिलका मांझी के बारे में याद रखिएगा, झारखंड में पहला शहीद होने का जो गौरव है इन्हीं को प्राप्त है, इनके नेतृत्व में 1784 में तिलका मांझी विद्रोह हुआ था, ठीक है। इनका मूल नाम जबरा पहाड़िया था, तिलका मांझी, और पहले झारखंड बोले जाते हैं कि क्रांतिकारी यही हैं, और शहीद होने का भी गौरव इन्हीं को प्राप्त है, तिलका मांझी। झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो लोहरदगा जिला जैसे सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, बाकी एरिया वाइज सबसे छोटा जिला पूछेगा तो रामगढ़ टिक लगा दीजिएगा, 1341 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है रामगढ़ का। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण आबादी कितनी है? तो झारखंड की ग्रामीण आबादी है 2,50,55,073, जो कि 76% आता है लगभग, आप लोग देखिएगा तो, ठीक है। तो 76% जो है से लोग गांव में रहते हैं झारखंड में, और शहर में देख लीजिए यहाँ पे उन्यासी लाख 33,061 है, ठीक है, जो कि 24% लगभग आता है। तो ये बात कम से कम डायरेक्ट याद रखिएगा कि 76% जो है जनसंख्या गांव में रहती है झारखंड में, और 24% जनसंख्या ऐसे शहर में रहती है। बाकी झारखंड का जो उच्च न्यायालय है देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? तो ये 21वां उच्च न्यायालय है, ध्यान रखिएगा। बाकी 21 नंबर और याद रख लीजिएगा, झारखंड में जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जिसको बुड्ढा गांव वाटरफॉल बोलते हैं, बुढ़ा रिवर पे है लातेहार में, वो भी भारत का 21वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, और स्वर्णरेखा जो है से भारत का 34वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है।
सिंदरी में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी या जो सिंदरी में स्थापित था बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसका नया नाम क्या रखा गया है? तो उसको बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया था 2000 ईस्वी में, क्योंकि पता होगा बिहार को हम लोग अलग, मतलब बिहार से अलग हो गए, तो कोई मतलब नहीं बनता है कि बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका नाम रखा जाए। तो बिरसा मुंडा जी के, जो कि क्या थे, हमारे भगवान माने थे झारखंड में, और इन्हीं के जन्म दिवस पर झारखंड की स्थापना हुआ था, तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि जो BIT सिंदरी है उसमें बी का क्या मतलब है, तो बी का मतलब बिरसा है, ठीक है। और BIT मेसरा में, BIT मेसरा में बी का मतलब बिरला है, BIT मेसरा में बी का मतलब बिरला है, और BIT सिंदरी में बी का मतलब बिरसा है, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। 2012 में झारखंड रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो मुकुंद नायक को दिया गया था, यह मर्दानी झूमर से बिलोंग करते हैं, बाकी ध्यान रख लीजिएगा। झारखंड रत्न जो है 2007 में शुरू किया गया था, और सबसे पहला बार जो झारखंड रत्न दिया गया था, झारखंड सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, तो महेंद्र सिंह धोनी को सबसे पहले दिया गया था 2007 में। झारखंड में विज्ञान शहर यानी कि साइंस जो सिटी है वह कहाँ स्थापित है? तो यह जो है रांची में स्थापित है, 2010 में जो है इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था, बाकी यहाँ पे तारामंडल भी देखने को मिलेगा, 2019 में जो है तारामंडल का स्थापना किया गया था झारखंड में, रांची में इस लोकेशन है तारामंडल का भी। राजमहल पहाड़ियों में कौन सा महत्वपूर्ण झरना शामिल है? तो मोतीझरा वाटरफॉल है, मोतीझरा का मतलब होता है, झरा मतलब झरना होता है, द स्ट्रीम ऑफ पियर्स ना, ध्यान रखिएगा, यह अजय नदी पर बनता है, और अजय नदी जो है झारखंड से निकलती नहीं है, यह अजय नदी मुंगेर से निकलती है जो कि बिहार में है, तो बिहार के मुंगेर से निकलती है और यहाँ पे राजमहल में आती है, तो वहीं पे मोतीझरा वाटरफॉल बनता है। बाकी एक पॉइंट और, अजय नदी पर ही देखिएगा तो एक रोहिणी ग्राम है, यह है देवघर में, तो वहीं पर स्वतंत्रता की पहली लड़ाई हुआ था शुरू झारखंड में, जो कि हुआ था 12 जून 1857 को, जो 32वां रेजिमेंट था आपको पता होगा वहाँ पर जो सैनिक विद्रोह कर दिए थे देवघर में। राजमहल की पहाड़ियाँ किस जनजाति का निवास स्थान माना जाता है? तो दो जनजाति याद रखेगा, शौर्य पहाड़िया और माल पहाड़िया, वही जो है उनका निवास स्थान माना जाता है, बाकी राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं ये सब जो है जुरासिक एज का है, ये सब ध्यान रखिएगा। झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो जून 2010 में जो है राष्ट्रपति शासन दूसरी बार लगाया गया था, तो याद रखिएगा 9, 10 और 13, 11, 12 में नहीं लगाया गया था, कंफ्यूज मत कीजिएगा। झारखंड के कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो अभी मैं कुछ देर पहले डिस्कस कर रहा था, तो चार जो ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है, एक है AIADA, ये है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, BIADA है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नूरछोटा नागपुर में, उसके बाद RIADA है रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये तो आपका साउथ छोटा नागपुर में और परामपुर मंडल में काम करता है, और SPIADA है संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि संथाल परगना रीजन में काम करता है, और आदित्यपुर कोल्हान डिवीजन में काम करता है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। बाकी यहाँ पे देख लीजिए तिलैया, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट से बनता है, बहुत बार पूछा गया है, आगे पूछा जाएगा। तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह बराकर नदी पे है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में, और DVC के अंतर्गत बनाया गया यह पहला डैम था, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसीलिए इंपोर्टेंट है, पहला परियोजना था DVC के अंतर्गत लगाया गया था। DVC की स्थापना 7 जुलाई, महेंद्र सिंह धोनी जी का जी भी बर्थडे इसी दिन है, 1948 को इसकी स्थापना किया गया था, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में देखने को मिलेगा DVC का, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो DVC को बोला जाता है कि ये झारखंड की पहला जो है नदी घाटी परियोजना था DVC। चतरा जिले में मौजूद कौन सा प्रतिबंधित नक्सली संगठन सक्रिय है? तो इसको MCC बोलते हैं, इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है SI में MCC। पुराणों के अनुसार, पुराणों की संख्या कुल 18 है, झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना गया है? तो वैद्यनाथ धाम है ना, तो इसको जो है अंतिम संस्कार के लिए बहुत ही उपयुक्त जगह माना जाता है। दुमका उपरभाग में कितने ब्लॉक, उपरभाग की तरह से आप लोग सब डिवीजन में समझिएगा, तो उसमें टोटल 10 जो है ब्लॉक आते हैं। गुमला जिले में कितने उप विभाग हैं, यहाँ दुमका था यहाँ गुमला है, कितने उप विभाग हैं, सब डिवीजन इसको बोला जाता है, तो सब डिवीजन की संख्या यहाँ पे 3 है, तो गुमला में 3 अनुमंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधानसभा चुनाव में भाजपा राज्य में पूर्ण बहुमत में आए? तो 2014 को चुनाव हुआ था आपको पता होगा, चौथा विधानसभा, तो 2014 में भाजपा पूर्ण बहुमत में जीतकर आई थी चौथी विधानसभा चुनाव 2014 में, जिसमें रघुवर दास वैसे झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने थे उस समय, और पहला ऐसा मुख्यमंत्री थे जो कि अपना कार्यकाल पूर्ण किए थे।
वह जनजाति जिसकी ओल चिकी वाली अपनी स्क्रिप्ट है यानी कि लिपि है, तो वह संथाल जनजाति है ना। संथाल जनजाति जो है से उसका अपना लिपि ओल चिकी है और इसको रघुनाथ मुर्मू यानी कि गुरु गोमके के द्वारा जो है से विकसित किया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। और संथाली भाषा है, संविधान के जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं, उसमें संथाली इंक्लूड है। नेक्स्ट है, कौन सा गोत्र कुरुक धर्म के नाम से भी जाना जाता है, तो कुरुक उरांव लोगों को कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जनजाति आपको खुद को कुरुक बोलती है, तो उरांव लोग झारखंड में, और इन लोग दौड़ियन फैमिली से बिलोंग करता है ना उरांव लोग, ये बात ध्यान रखिएगा। झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान किसके द्वारा लागू किया गया है, तो ये लागू किया गया है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद यानी कि झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के द्वारा। एजुकेशन एक करेंट कनकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन से रिलेटेड चीज न्यूज में रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। मुंडा दुर्दा का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसको 1942 में जो है प्रकाशित किया गया था। बाकी झारखंड में एक आदिवासी पत्रिका है, इसको ध्यान रखिएगा, 1915 में इसका प्रकाशन किया गया था, किसके द्वारा, छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा। झारखंड को किस वर्ष रेल नेटवर्क से जोड़ा गया था, तो यह 1860 में झारखंड को जो है रेल नेटवर्क को जोड़ा गया था। भारत में रेल की शुरुआत देखिएगा तो 1853 में किया गया था, आपको आइडिया होना चाहिए, लॉर्ड डलहौजी के काल में। झारखंड का कौन सा स्थल छोटा नागपुर का हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है, झारखंड में भी इसको हल्दी घाटी कहा जाता है, तो ये कोरांबे गुमला प्लेस है। इसको हल्दी घाटी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था नाग वंश के बीच में और रक्सेला डायनेस्टी के बीच में। रक्सेला पलामू और गढ़वा में था, इसका दो शाखा था रक्सेला का, एक पलामू में था कुडेलवा में और एक देवगन गढ़वा में। तो यही रक्सेला डायनेस्टी से और नाग वंश के बीच में काफ़ी ज़्यादा युद्ध हुआ था कोरांबे में, तो इसी को बोला जाता है कि यह झारखंड का हल्दी घाटी है। झारखंड का कौन सा जैव रिजर्व सबसे बड़ा है, तो जो पलामू वन जीव अभयारण्य आप लोग देखते हैं उसका एरिया बहुत ही ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है बोले पूरे झारखंड में, तो 979 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, जो कि इसको पूरे झारखंड में सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य बनाता है। और इसका 979 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, उसका 226 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है वह पलामू टाइगर रिजर्व है में, मतलब पलामू टाइगर रिजर्व के लिए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो जो पलामू टाइगर रिजर्व है आप लोग बोलिए, तो वो जो है ऐसे मेन रूप से लातेहार में पड़ता है, इसका कुछ हिस्सा पलामू में भी है। धनबाद रेलवे स्टेशन किस जोन के अंतर्गत आता है, तो यह पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है जिसका हेडक्वार्टर हाजीपुर है। पर कुछ ध्यान रख लीजिएगा, झारखंड में जो रेल मंडल के बारे में बात कीजिएगा, धनबाद रेल मंडल है तो तीन टोटल रेल मंडल है, एक तो धनबाद हो गया, एक रांची रेल मंडल हो गया और एक चक्रधरपुर हो गया, तो तीन रेल मंडल हैं। बाकी यहाँ पे देख लिया आपने ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत धनबाद जो है से रेल मंडल आता है, जो रांची रेल मंडल है वो आता है आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत, ACR के अंतर्गत, इसको ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा था कुछ दिन पहले। झारखंड में अब तक कितने मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा से बने हैं, तो दो बने हैं, खुद एक शिबू सोरेन जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक हैं और दूसरे उनको सुपुत्र हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन का देखिएगा तो यह 5वें मुख्यमंत्री थे व्यक्ति के रूप में, और ऐसे जो है से टोटल अभी देखिएगा तो 11वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और इनका अपॉइंटमेंट दूसरी बार हुआ था। छठे जो मुख्यमंत्री बने थे वह रघुवर दास थे, तो अब तक व्यक्ति 6 ही बने हैं, लेकिन ऐसे देखिएगा तो कोई एक बार बना, कोई दो बार बना, कोई तीन बार बना, तीसरे से देखिएगा तो ऐसे 11 नंबर हो चुके हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 4 फरवरी 1973 को किया गया था शिबू सोरेन के द्वारा, उसके बाद विनोद बिहारी महतो और अरुण कुमार राय तीन पर्सनालिटी थे जो कि इस पार्टी को बनाए थे। झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण कब हुआ, ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मार्च 1931 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, 30 से शुरू हुआ था और 31 तक जो है जाकर कंप्लीट हो गया था। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो यह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, और कोडरमा तो पता होगा इसको, कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है। अभ्रक एक ऐसा मटेरियल है ना जो इलेक्ट्रिसिटी का जो है से बोल सकते हैं कि इंसुलेटर है और हीट का जो है से कंडक्टर है, यानी हीट को तो कंडक्ट कर देता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, इसलिए जो है इसका इलेक्ट्रिक आयरन में यूज किया जाता है। जैसे हीट करता है पट्टी लगा होता है, आप लोग देखे होंगे इसका जो कॉइल होता है वो पट्टी होता है, अभ्रक रहता है तो गर्म करता है ये लोहा को, लेकिन लोहा में करंट नहीं आता है, इसी प्रॉपर्टी चलते इसका यूज किया जाता है अभ्रक का। झारखंड के कितने जिले उद्योग केंद्रित हैं, यानी कि ज़्यादातर उद्योग यहाँ पे लगा है,
तो 12 जिले में जो है से उद्योग है, यानी कि बोल सकते हैं कि झारखंड के जो 50% जिले हैं वह जैसे उद्योग केंद्रित हैं। काफ़ी ज़्यादा उद्योग है, अब खनिज भी झारखंड में 40% है, आपको पता होगा, तो काफ़ी उद्योग धंधा भी यहाँ पे लगा रहता है। ए आई डी आई ए किस कमिश्नरी के तहत सीमित है? तो कोल्हान कमिश्नरी के तहत सीमित है, और कोल्हान प्रमंडल आपको बताया था 3 जिले हैं, जो कि है आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो जो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में बात कर रहा था, तो कोल्हान वाले रीजन में ही कार्य करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसा कोई अथॉरिटी नहीं है। नेक्स्ट है, जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड कौन सा राज्य है? तो ये झारखंड दूसरा राज्य है, पहला कौन होगा? तो बिहार था, तो बिहार जो है से जेपी आंदोलनकारियों को, परिजनों को बोलिए, पेंशन देने वाला पहला राज्य बना था, झारखंड दूसरा है। बाकी देखिएगा तो ट्राइबल एटलस जारी करने वाला भी झारखंड दूसरा राज्य है, सेकेंड स्टेट है, उड़ीसा फर्स्ट स्टेट है। झारखंड के किस स्थान पर सूर्य मंदिर है? तो ये बुंडू रांची में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वहीं पर सूर्य मंदिर है। रांची डिस्ट्रिक्ट को देखिएगा तो ऐसे तो रांची भी है एक अनुमंडल और एक बुंडू भी है अनुमंडल। रांची में टोटल 14 प्रखंड आते हैं, ये रांची में, और बुंडू में 4 प्रखंड आते हैं, जो 14 प्लस 4 जो है से 18 प्रखंड टोटल रांची में हैं, और अनुमंडल की संख्या रांची में 2 है। कैपिटल सिटी है, जिसके बारे में आपको डेटा काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। किन चट्टानों को धातु खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो जो धारवार युगीन चट्टान होते हैं उनको धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है, काफ़ी ज़्यादा खनिज इससे निकाला जाता है। दलमा वन जीव अभयारण्य कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो यह 195 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1975 में देखिएगा तो इसका उद्घाटन किया गया था, दलमा वन जीव अभयारण्य, क्या जैसे मैं बात किया था, ये जो है से मेन रूप से एलिफेंट्स के लिए है। ये क्वेश्चन आप लोग असर रहेगा कि झारखंड में टोटल कितने एलिफेंट्स कॉरिडोर कॉरिडोर हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चिपकाइए। संथालों के संस्थापक पिता कौन माने जाते हैं? तो संथालों के जो संस्थापक पिता हैं वह लुगु बुरु माने जाते हैं, बोकारो के यह पर्सन थे, और बोला जाता है कि इनको जो है से मतलब अपना जो रूप है वह इच्छा अनुसार परिवर्तित कर सकते थे, जो कि बाद में जो है से यह पहाड़ का रूप धारण कर लिए थे। धनबाद जिले का गठन कब हुआ था? तो 1956 में जो है से धनबाद जिले का गठन किया गया था, ठीक है, पहले इसको मानभू के नाम से जाना जाता था। धनबाद के सरदार के नाम से कौन फेमस है, जरा ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दुमका जिला किस प्रमंडल के तहत आता है? तो यह संथाल परगना प्रमंडल के आता है। दुमका डिस्ट्रिक्ट को देखिएगा तो 1855 में स्टेब्लिश किया गया था। स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से बहती है? तो स्वर्णरेखा नदी रांची के नगड़ी से निकलती है और बाकी जाकर बंगाल खाड़ी में गिरती है, तो इसका देखिएगा तो पश्चिम से निकलती है और दक्षिण पूर्व हिस्से में जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में, स्वतंत्र रूप से गिरती है। अपने कोर्स के दौरान ये स्वर्णरेखा रिवर कभी भी किसी की सहायक नदी नहीं बनती है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें सोने के कण पाए जाते हैं, पहले बोला जाता था, इसके चलते इसका नाम स्वर्णरेखा है। झारखंड राजभवन के आर्किटेक्ट कौन है, डिजाइनर कौन है? तो जो राजभवन के डिजाइनर थे वो थे सैडलो बिलार्ड। वर्तमान में भी देखिएगा तो जो संसद भवन बनाया गया है वह बिमल पटेल जो है इसके डिजाइनर हैं, जो वर्तमान में जो संसद भवन बना है जो कि त्रिभुजाकार आकार का है। झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित 4 रेशम पार्क कहाँ पे हैं? तो 4 रेशम पार्क जो है से झारखंड में रांची में है, गिरिडीह। ये क्वेश्चन आज आया था ना, एक समय तो यहाँ सारा चीज़ डाल दिया हूँ, लेकिन क्वेश्चन ये आया था कि झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित 4 रेशम पार्क में से एक कौन सा है? तो क्वेश्चन था, आंसर मतलब ऑप्शन था गिरिडीह और बाकी सारे अदर डिस्ट्रिक्ट थे, मैं चारों के चारों यहाँ पर डाल दिया हूँ, तो रांची है, गिरिडीह है, जसीडीह है और खरसावां, तो 4 जगह पर जो है रेशम पार्क जो है स्थापित किया गया है, तो झारक्राफ्ट को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत में गैर कोकिंग कोल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो यह झारखंड है, बोला जाता है कि एकमात्र उत्पादक है। कुरमाइट और मैग्नीज का भंडार किस जिले में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है पश्चिमी सिंहभूम। तो कुरमाइट और मैग्नीज पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है, बाकी कुछ कुछ लोकेशन पश्चिमी सिंहभूम में, यह देखिएगा नाव मंडी खान, उसके बाद चिड़िया खान और किरीबुरु सनसेट पॉइंट, ये सब जो है से पश्चिमी सिंहभूम में है, ये बात ध्यान रखिए। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा कि नाव मंडी कहाँ है, चिड़िया कहाँ है और किरीबुरु सनसेट पॉइंट कहाँ है, मंगोलिया सनसेट पॉइंट लातेहार में है। बाकी पश्चिमी सिंहभूम देखिएगा तो एरिया वाइज झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। हुंड्रू फॉल रांची से कितनी दूरी पर स्थित है? ये सब क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट जो है से पूछा जाता है, तो हुंड्रू फॉल जो है से 45 किलोमीटर दूर है, एक क्वेश्चन आ चुका है तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ। जैसे पूछे आपसे कि पतरातू डैम जो है रांची से कितना दूरी पर है, तो ये लगभग 40 किलोमीटर तक में है पतरातू डैम, रामगढ़ में यह पतरातू डैम है, हुंड्रू फॉल्स रांची में ही पड़ेगा।
झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? और अभी एक चीज न्यूज में है, मैकलुसीगंज, उसको जो है सो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की बात किया जा रहा है। मैकलुसीगंज जो कि रांची के खलारी प्रखंड में पड़ता है, तो ये जो है रांची से बोला जाता है कि लगभग 65 किलोमीटर दूर है। अभी न्यूज में था और न्यूज़पेपर में बाकायदा छापते भी हैं कि 65 किलोमीटर में मैकलुसीगंज है, इसको मिनी लंदन के रूप में जाना जाता है, आपको पता होगा। हाँ, तो झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये विनोद कुमार गुप्ता थे, शॉर्ट में इनको बीके गुप्ता बोला जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। वर्तमान में झारखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं झारखंड हाईकोर्ट के, संजय कुमार मिश्रा, ठीक है। बाकी एक ज्ञान सुधा मिश्रा, ना याद रखिएगा इनको, ज्ञान सुधा मिश्रा एक झारखंड हाईकोर्ट की पहली महिला जज थी, ठीक है ना। मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात कीजिएगा झारखंड हाईकोर्ट का, और ये छठी जो है न्यायाधीश थी। मैथन जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो यह धनबाद जिले में है, बराकर नदी पर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। गिरिडीह जिले का गठन कब किया गया था? तो गिरिडीह जिले का गठन 1972 में किया गया था। लोहरदगा जिले का निर्माण किसके विभाजन से हुआ था? तो लोहरदगा जिला जो बनाया गया था वह रांची से बनाया गया था 1983 में, और उसमें बताया था ना गुमला जिला भी को भी बनाया गया था रांची से ही, ठीक है, और बाद में रांची से खुट्टी को बनाया गया 2007 में। छौ नृत्य झारखंड के किस जिले से संबंधित है? तो यह सरायकेला खरसावां रीजन से है, ठीक है। तो बोला जाता है कि छौ का जो नृत्य है उसका नामकरण ऐसे किया जाता है जहाँ से वह निकल कर आता है, जैसे सरायकेला से निकल कर आया तो इसको सरायकेला छौ कह दिए, पुरुलिया से निकल कर आया तो इसको पुरुलिया छौ बोल दिए जो कि पश्चिम बंगाल में है, और एक मयूरभंज उड़ीसा से निकल कर आया उसको जैसे मयूरभंज छौ कह दिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक जो है कुटी डिस्ट्रिक्ट ना, हाँ कुटी डिस्ट्रिक्ट में एक छौ का फॉर्म है, उसको उसका नाम बताइए जरा कि वह क्या है, क्या नाम है उस छौ का जो कि खुट्टी डिस्ट्रिक्ट से निकल कर आया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी सरायकेला खरसावां जो छौ का टाइप है वह सबसे पुराना है। झारखंड में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 6,000 रुपया दिया जाता है आफ्टर डिलीवरी। तो जनजातियों में मनाई जाने वाली जो कर्मा पूजा है वह हिंदू धर्म के किस पर्व के समान है? तो यह रक्षाबंधन के समान है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, रक्षाबंधन के समान मनाया जाता है कर्मा पूजा। निधरे आंखी जलांखी पाते, इसके लेखक कौन है? तो देवकीनंदन है, एक बुक है, ध्यान रख लीजिएगा। संथाली साहित्य का पहला नाटक कौन था? तो विदु चांदन बोला जाता है, और ये जो है से रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखा गया था संथाली साहित्य का पहला नाटक, इनको जो है से गुरु गोंगे के नाम से जाना जाता है, और यही वो पर्सन है जो कि उल्चिकी लिपि जो उसकी संथाली भाषा का है उसको डेवलप किए थे। घाघरी जलप्रपात कहाँ पे है? तो यह नेतरहाट में लोकेटेड है, नेतरहाट जो है से इसको क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है। झारखंड का सबसे वर्षा वाला स्थान भी है और सबसे ठंडा स्थान भी है, ये लातेहार में है। बैगा जनजाति किस जानवर को पवित्र पशु मानती है? तो इन लोग बाघ को जो है पवित्र पशु मानते हैं। इदमी किस जनजाति का एक विवाह का तरीका है? तो ये असुर जनजाति का एक तरीका है इदमी। असुर जनजाति देखिएगा तो झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है, ठीक है, और ये जो है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स में आता है, यानी कि आदिम जनजाति यह है, 8 में से एक सबसे पुरानी है, और यह लोहा गलाने के लिए जो है फेमस है और उसे औजार बनाने के लिए। पलामू किले का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1619 में पलामू किले का निर्माण हुआ था। जो पुराना किला था पलामू का वह जो है से प्रताप राय के द्वारा बनाया गया था, और जो नया किला था वह बनाया गया था मेदनी राय के द्वारा। नगरउटारे स्थित बाबा बंसीधर मंदिर की सोने की मूर्ति का वजन कितना है? तो यह 1280 किलोग्राम है ना। बाकी देखिएगा तो कहीं कहीं आपको 32 मन भी मिल जाएगा, इसको मन बोला जाता है। तो 32 मन यानी कि एक मन में 40 किलो होता है, तो 32 में आप लोग 40 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अल्टीमेटली जो है 1240 ही आएगा, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। जो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है उसका वेबसाइट पर 32 मन लिखा हुआ है। दोस्मी नृत्य में डैश प्रकार का संगीत का प्रयोग किया जाता है, तो वह कौन है? तो लंगड़े है ना, तो लंगड़े जो है संगीत का प्रयोग किया जाता है। सुनहरी सोहराई नृत्य में महिलाएं क्या गाती हैं? चुमवाड़ी गाती हैं। नेक्स्ट है, 1616 में कर नहीं देने के कारण किस महाराज को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक कैद किया था?
तो वह पर्सन थे दुर्जन साल। तो इन्हीं को 12 साल तक कैद किया गया था, यह नागवंशी राजा थे। कुछ देखिएगा, कहीं कहीं डेटा आपको 1616 मिल जाएगा और कहीं पे 1615 है, क्योंकि इनको 12 साल कैद किया गया था। और कहीं कहीं देखिएगा तो आपको मतलब डेट मिलेगा कि 1627 में इनको जहांगीर मुक्त किया था। तो इस तरह से अगर 12 साल सबमिट करेंगे तो 1615 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वह 1616 था, तो 1615-16 के ही आसपास है। 12 साल इनको ग्वालियर के किले में रखा गया था। ये बात ध्यान रखिएगा, जहांगीर को कैद किया था और बाद में 6000 रुपया सालाना कर पर जो है इनको छोड़ा गया था। ठीक है, क्यों छोड़ दिया गया था? बहुत प्रभावित हुआ था जहांगीर इनसे, दुर्जन साल से, क्योंकि इनको जो है से हीरे की जो है पहचाने की अद्भुत क्षमता थी, जिससे प्रभावित होकर इनको छोड़ दिया था। लेकिन बोला था कि 6000 रुपया भाई आपको देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। बाकी चीज़ याद रख लीजिएगा, इनको शाह की उपाधि दिया गया था जहांगीर के द्वारा। किसको? दुर्जन साल को शाह की उपाधि। 1820-21 में कैप्टन रॉपसिज और 1837 में कैप्टन विल्किंसन ने किस विद्रोह को दबा दिया था? तो यह था हो विद्रोह। बाकी 1857 में विल्किंसन रूल्स भी आया था कोल्हान वाले रीजन में, ये बात ध्यान रखिएगा। विल्किंसन रूल्स कब आया? 1837। रामगढ़ का कौन सा राजा था जो शुरू से अंत तक जो है से अंग्रेजों का विरोध करता रहा? तो वह राजा थे मुकुंद सिंह। ठीक, कभी अंग्रेज के बात नहीं मानते थे, हमेशा से विरोधियां करते रहते थे। रामगढ़ देखिएगा, तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 में जो है से बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। झारखंड का पहला वृत्त चित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री जो होता है वह किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह जन 1964 में बनाया गया था राधा कृष्ण के निर्देशन में। संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? तो वह पर्सन थी सैल बाला राय। तो इन्हीं के नेतृत्व में जो है से नमक कानून को जो है से चुनौती दिया गया था, या बोल सकते हैं कि तोड़ा गया था। आपको पता होगा दांडी मार्च शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, ठीक है, जो कि दांडी प्लेस पर गए थे। 6 अप्रैल तक चला था। टोटल डिस्टेंस शायद देख लीजिएगा 385 किलोमीटर के आसपास होगा। किसने घोषणा की अबाउ राज एटेजना महाराज महारानी राज टूडो? महारानी और विक्टोरिया को बोला गया है, तो अब मुंडा राज शुरू हो गया है और रानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है। तो यह बोले थे बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा तो पता होगा, झारखंड में इनको भगवान का दर्जा प्राप्त है। जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी इनका जो बोल सकते हैं जो मृत्यु हुआ था वो 1900 में हुआ था झारखंड जेल में, ठीक है, रांची में बोल सकते हैं। हैजा बोला जाता है, ऐसे जो है से बोला जाता है कि इनको जहर दे दिया गया था। और एक बिरसाइत संप्रदाय भी है ना, वो जो है शुरू किया गया था बिरसा मुंडा के ही द्वारा 1895 से 1900 के बीच में जो है से युद्ध चलते रहा था। जब बिरसा मुंडा विद्रोह पूछेगा आपसे तो, ठीक है। और इनका जो सेनापति था, सैनिक सेनापति थे वह जो थे उनका नाम था गया मुंडा। चक्रधरपुर के जंगल से गिरफ्तार बाद में किए गए थे बिरसा मुंडा। बरहेट घाटी किस जिले में स्थित है? तो यह साहेबगंज में लोकेटेड है। बरहेट प्लेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान में जो 5वें मुख्यमंत्री हैं जिनका अपॉइंटमेंट दूसरी बार हुआ है हेमंत सोरेन, यह बरहेट लोकसभा से ही विधायक हैं। और ये जो है से राजमहल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ध्यान रख लीजिएगा। साहेबगंज में बरहेट पड़ता है। किस दो राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमा साझा करता है? तो झारखंड के आप लोग पश्चिम साइड में देखिएगा तो एक तो आपको गढ़वा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, एकमात्र जिला है। और इधर आप लोग देखिएगा तो इधर आपका सिमडेगा हो जाएगा, गुमला हो जाएगा। तो ये जिले जो है इधर छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं। तो जो देख लीजिएगा दो हो गए, एक तो हो गए उत्तर प्रदेश और एक हो गया छत्तीसगढ़। झारखंड के कितने जिले किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं? तो दो ऐसे जिले हैं जो लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट हैं, लोहरदगा और खूंटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। केसो अक्टो गुरियो नदियाँ किसकी सहायक नदी हैं? तो यह बराका नदी की सहायक नदी है। बराका नदी को देखिएगा तो ये निकलती है हजारीबाग के पद्मा से, ठीक है, हजारीबाग के पद्मा से निकलती है। 1913 में गिरिडीह में खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? उनका नाम था निर्मल चंद्र बनर्जी, तो यही चिपकाए थे। नहीं देख लीजिएगा, झासको लैंप है, तो इसका गठन कब किया गया था? तो 1963 में किया गया था। ये जो लाख इंडस्ट्री आप लोग सुनते हैं ना, लाख लाख समझते हैं ना कि नहीं समझते हैं, तो लाख इंडस्ट्री को जो है इस तरह से बढ़ावा देने के लिए झासको लैंप प्रोग्राम को शुरू किया गया था। और लाख का देखिएगा तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादक जो राज्य है वह झारखंड ही है। और यह खूंटी डिस्ट्रिक्ट ना, खुडलाख है ना, या खूंटी डिस्ट्रिक्ट जो है से लीडिंग प्रोड्यूसर है लाख का झारखंड में। और झारखंड में लाख अनुसंधान संस्थान भी है रांची के नामकुम में।
स्टेब्लिश तो किया गया था इसको 1924 में, लेकिन इसका नाम जो है से चेंज किया गया था 2007 में। नाम चेंज जो किया गया था वह था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रीजन्स एंड गम, IIINRG। ठीक है, जुबली पार्क कहाँ पे स्थित है? तो जुबली पार्क जमशेदपुर में है। सेंद्रा क्या है? तो यह एक वार्षिक सामूहिक शिकार उत्सव होता है ना, सेंद्रा। और एक है केंद्रा, कन्फ्यूज मत कीजिएगा, मुझे मुझे तो बड़ा कन्फ्यूजन होता था पहले सेंद्रा और केंद्रा में। तो सेंद्रा एक देख लीजिएगा वार्षिक सामूहिक शिकार उत्सव है, और केंद्रा जो है इसको झारखंड का वायलिन कहा जाता है। टूसू पर्व किस त्यौहार के साथ मनाया जाता है? तो टूसू पर्व कुआरी कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है मकर संक्रांति के दिन। ठीक है, ध्यान रखिए उसी के साथ जो है सो कॉइंसाइड होता है यह त्यौहार। इसमें टूसू का प्रतिमा मनाया जाता है, बाद में नदी में इसको विसर्जित किया जाता है। आप लोगों को कुछ पता होगा इसके बारे में। द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ हो लैंग्वेज पुस्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1840 का यह बुक है, और एसआर टिकैल के द्वारा लिखा गया था यह बुक। ठीक है, हु, और हो भाषा से रिलेटेड एक पर्सन है जिनका नाम है जानुम सिंह सोय। इनको 2023 में झारखंड में पद्मश्री दिया गया, मतलब पद्मश्री दिया गया है, यह झारखंड के पर्सन है, तो हो भाषा से ही रिलेटेड है यह। ठीक है, चलिए इसको की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? इसको जो है से हजारीबाग में स्थित है। बैगा जनजाति का में गांव का प्रमुख क्या कहलाता है? तो इसको मुकद्दम कहा जाता है, बैगा जनजाति में गांव का जो प्रमुख होता है। कोई भी आप लोग शासन व्यवस्था पढ़िएगा, जो गांव के प्रधान होते हैं सो, और धार्मिक प्रधान होते हैं सो, ये सब जरूर याद रखिएगा। आल्हा उदल किस जनजाति के नायक हैं? तो आल्हा उदल है से बंजारा जनजाति के नायक हैं। बथरू जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? तो भूमिज के नाम से इसको जाना जाता है। भूमिज का मतलब होता है भूमि से उत्पन्न। शाहपुर का किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो शाहपुर किला गोपाल राय के द्वारा बनाया गया था। ये सब चेरोमन से रिलेटेड है। झारखंड में बसे इकलौते एंग्लो इंडियन गांव का नाम क्या है? तो मैकलोसीगंज है। अगेन इसे रांची में है, खिलाड़ी प्रखंड में पड़ता है मैकलोसीगंज। काफ़ी ज़्यादा न्यूज है, आगामी जो एग्जाम होगा उसमें पूछने की संभावना है इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में आ चुका है। क्योंकि अभी इसको जो है से पर्यटन दिवस पर 27 सितंबर 2023 को इसको पर्यटन दिवस पर बेस्ट गांव का जो है से अवार्ड दिया गया है मैकलोसीगंज को, इसलिए काफी ज्यादा न्यूज में है। वाद्य यंत्र थाला को किससे तैयार किया जाता है? तो कांसा से तैयार किया जाता है। कांसा में एक मिश्र धातु है कॉपर प्लस टिन का। दशहरा में कौन सा नृत्य शिक्षक और छात्र द्वारा एक साथ किया जाता है? तो यह है दंशय नृत्य, दस दशहरा दस है दंशय। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चले गोली से किस कौन से व्यक्ति शहीद हो गए थे? तो उनका नाम था अशरफी लाल। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1585 में अकबर के किस सेनापति ने मधुकरण शाह पर आक्रमण किया और उसे मुगलों के अधीन बनाया? तो वह पर्सन थे शाहबाज खान कंबू, वही सेनापति थे जो कि मधुकरण शाह एक नागवंशी किंग थे, उन पर आक्रमण करके जो है सो उनको मुगल शासन के अधीन बनाए थे। बुल्लू इमाम का संबंध किस लोक कला से है? तो सोहराई और कोहबर ये जो है से कला से है, बाकी याद रख लीजिएगा। सोराई और कोहबर पेंटिंग जो है उसको 2020 में जीआई टैग जो है से दिया जा चुका है, और झारखंड में दो और भी पदार्थ हैं जिसको जीआई टैग जो है से दिए जाने का मांग उठ रहा है, मिल जाएगा तो आगे आपको मैं पढ़ाता हुआ नजर आऊंगा। तो चलिए इतना ही सारा था, जो कि सारा क्वेश्चन जेएसएससी एसआई 2017 से उठाया गया था, कुछ ही क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए। तो बाकी जो 15वां जनगणना था या फिर 7वां बोलिए 2011 का जनगणना, आजादी के बाद बोला जाता है 7वां, तो झारखंड के रिस्पेक्टिव में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो झारखंड में किस धर्म के लोग अधिकतम हैं? तो हिंदू धर्म के लोग सर्वाधिक हैं, तो यहाँ पे टॉप जो है से 5 डाल दिया गया है, यहाँ पे 1, 2 या 5, 6 देख लीजिए। तो हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा है, लगभग बोलिए कि 68% जो है से झारखंड में हिंदू है। मुस्लिम लगभग बोल सकते हैं कि ये 15% है, फिर ईसाई है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, और कुछ अन्य भी जनजातियाँ यहाँ पे हैं, धर्म बोली जाती नहीं, सॉरी। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के कितने जिले को अल्पसंख्यक केंद्रित जिला घोषित किया गया है? तो झारखंड के 6 ऐसे जिले हैं जिनको अल्पसंख्यक केंद्रित बोला गया है, कहने का मतलब है यहाँ पे जो अल्पसंख्यक लोग ज़्यादा रहते हैं। झारखंड सरकार में देख सॉरी बोलिए भारत में बोलिएगा तो
तो अल्पसंख्यक जो है से 6 लोगों को बोला जाता है। कौन कौन? तो सिर्फ हिंदू को छोड़ दीजिए, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, ये 6 ऐसा जो कम्युनिटी है उनको जो है से अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। तो सिमडेगा, साहेबगंज, पाकुड़, गुमला, रांची, खूंटी, ये 6 जो है से अल्पसंख्यक केंद्रित जिला झारखंड में है। झारखंड में एससी की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 12% एससी जो है से झारखंड में पाया जाता है, बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा 39,85,644, ये इसका जनसंख्या है एससी का। सर्वाधिक एससी की जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो एससी की जनसंख्या तो आप लोग देख लिया आपने, अब देख बताइए कि सर्वाधिक एससी किस जिले में है। तो सबसे ज्यादा एससी पाया जाता है पलामू में 13.46%, उसके बाद धनबाद है, फिर चतरा है, गिरिडीह है, फिर गढ़वा पे है। न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे जो न्यूनतम एससी जनसंख्या है वो लोहरदगा में है, मात्र 0.38% है, उसके बाद खूंटी में, पाकुड़ में, गुमला में और सिमडेगा में। टॉप 5 यहाँ पे दे दिया हूँ क्योंकि जेपीसी जैसे एग्जाम के लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा तैयारी करके जाना होता है। बाकी फर्स्ट तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है? जेएससी के एग्जाम में फर्स्ट तो आपसे ज़्यादा पूछा जाता है, ज़्यादा चांस है। झारखंड में एसटी की कुल जनसंख्या कितनी है? तो देख लीजिएगा 86,45,042 है, ठीक है? तो इतना जनसंख्या एसटी का है जो कि 26.2% आता है। नॉर्मली आप लोग अनुसूचित जनजाति भी बोल सकते हैं, 26.2% जो है इन लोग का जनसंख्या है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा एसटी पाया जाता है रांची में, उसके बाद पश्चिम सिंहभूम में, गुमला में, पूर्वी सिंहभूम में और दुमका में। रांची में 12.05% एसटी की जनसंख्या है। न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो कोडरमा में सबसे कम एसटी पाया जाता है, मात्र 0.08%, और झारखंड में 0.08 हेक्टेयर जैसे प्रति व्यक्ति वन और फॉरेस्ट इतना ही है। चतरा, फिर हजारीबाग, फिर देवघर, फिर पलामू है। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा झारखंड की 5 सबसे बड़ी जनजाति कौन से हैं? तो सबसे टॉप पे है संथाल, ठीक है? और ये संथाल जो है भारत की 3री सबसे बड़ी जनजाति है, उसके बाद उराव आता है, फिर मुंडा है, फिर हो है, फिर खड़िया है। तो ये टॉप 5 देख लीजिएगा। झारखंड के 8 सबसे बड़े आदिम जनजातियाँ कौन कौन से हैं? तो आठों डाल दिएगा, टोटल 8 ही है, और आठों को यहाँ पर डाल दिया गया है कि कौन जो है से किसका परसेंटेज कितना है पॉपुलेशन में। तो मालपहाड़िया सबसे ज़्यादा है 46%, उसके बाद शौर्य पहाड़िया 16% है, कोरवा जो है से 12%, परहिया 9%, असुर 8%, बिरहोर 4%, सबर 3% और बिरेजिया सबसे कम 2%। ये सब ऐसे डेटा हैं जो कि आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना? इसका मतलब कुछ नहीं है कि ट्रिक जैसा कुछ दे दिया जाए जो आप लोग याद रख लीजिएगा, बना देते हैं सब ट्रिक, लेकिन आप लोग इसको बार बार रिविजन करते रहिएगा, और मन होगा तो ट्रिक से आप लोग याद रख लीजिएगा। आपके पास पीडीएफ मौजूद रहेगा, टेलीग्राम प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जैसे आप लोग को सहूलियत हो वैसे आप लोग याद रख सकते हैं। झारखंड के कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं? कुछ कुछ ना मैं आज भूल भी जा रहा हूँ क्योंकि हो क्या रहा है ना कि रात भर जगा हुआ हूँ, लगभग अब 4 साढ़े 4 बज चुका है, तो लेक्चर बनाने के चक्कर में पूरा रात भर मैं जगा रहा, तो कुछ कुछ चीज़ मैं भूल भी जा रहा हूँ। तो 91% जो है अनुसूचित जनजाति गाँव में रहती है, और यानी कि बोल दीजिए कि 9% ऐसे अनुसूचित जनजाति हैं झारखंड में जो कि शहरों में रहती हैं, और गाँव में झारखंड में ऐसे ज़्यादा लोग रहते हैं। झारखंड की नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो देख लीजिएगा नगर में रहने वाले लोग मात्र 24% हैं, 1,60,57,819 लोग जो है से गांव में रहते हैं, और शहर में देख लीजिएगा 76% लोग रहते हैं। तो 76:24 का रेशियो है, ठीक ना, गांव और शहर में रहने वाले लोगों की संख्या झारखंड में 2,50,55,073 इतना जनसंख्या है ग्रामीण झारखंड का। नगरीय जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखिएगा तो झारखंड का भारत में 27वां स्थान है। झारखंड के सर्वाधिक नगरीकृत जिले कौन कौन से हैं? कौन से हैं? कहने का मतलब सबसे ज़्यादा वह कौन सा शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा, मतलब कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग शहर में रहते हैं, कौन सा जिला है? तो धनबाद एक ऐसा जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग शहर में रहते हैं, 58% लोग धनबाद में शहर में ही रहते हैं। पूर्वी सिंहभूम उसके बाद सेकेंड पे है 55.56% है, फिर बोकारो, फिर रामगढ़ है, और रांची जैसे यहाँ पे है 43.14% लोग शहर में रहते हैं। रांची कैपिटल सिटी है तो आपको पता होना चाहिए। झारखंड के न्यूनतम नगरीकृत जिले कौन से हैं? तो गोड्डा में सबसे कम लोग ऐसे गांव शहर में रहते हैं, ज़्यादातर लोग गांव में रहना पसंद करते हैं, तो यह है गोड्डा 4.91% है, फिर गढ़वा है, चतरा है, गुमला है, दुमका है। दुमला जो दुमका जो है उपराजधानी है जिसको ध्यान रखिएगा, 6.82% लोग यहाँ पे शहर में रहते हैं। अब देख लीजिए झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर, और थोड़ा सा आप लोग याद रख लीजिएगा दिमाग लगा के, सब चीज़ रटना नहीं होता है। जो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है वो सबसे बड़ा प्रमंडल है झारखंड का, टोटल 60 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं। धनबाद आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, बोकारो यहीं मिलेगा, हजारीबाग यहीं भी मिलेगा, रामगढ़ भी यहीं मिलेगा,
उसके बाद गिरिडीह भी इसी में मिलेगा, चतरा भी इसी में मिलने वाला है आपको, और कोडरमा भी इसी में मिलने वाला है। हो गया ना साथ, हो गया होगा। तो ये सब है, तो देख लीजिएगा सबसे बड़ा प्रमंडल है, हेडक्वार्टर इसका हजारीबाग में है, इसलिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसमें है। सबसे छोटा जो है ऐसे बोल सकते हैं, या सबसे कम जनसंख्या जैसे वाला प्रमंडल कौन सा है, तो पलाऊ प्रमंडल है, वैसे सबसे छोटा प्रमंडल भी यही है। टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि कोल्हान भी तो है जिसमें 3 जिले हैं, लेकिन कोल्हान में देखिएगा एक जिला है जिसका नाम है पश्चिमी सिंहभूम, और एरिया वाइज वो पूरे झारखंड का सबसे बड़ा जिला है ना, ध्यान रखिएगा। पलामू को देखिएगा तो 5वां सबसे बड़ा जिला है झारखंड का। झारखंड में पुरुष की जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा 169,30,315 लिखा हुआ है। झारखंड की जनसंख्या टोटल आपको बताया था ना 3,29,88,134 था, तो ये 1,69,30,315 जनसंख्या है, जो कि 51.32% आता है पुरुष की जनसंख्या है झारखंड में, और महिला है 1,60,57,819 जो कि 48.68% आता है। ये सब डेटा आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट जो है डेटा उठाकर पूछ दिया गया है, ठीक है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, इसीलिए थोड़ा सा यह टफ हो जाएगा पॉइंट, इस तरह से डेटा अगर पूछा जाए तो। राज्य में 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहर कितने हैं, तो 10 ऐसे जो है से शहर हैं, जिले बोला गया है, टोटल 10 जिले हैं जो कि 1 से 10 लाख जिनका जनसंख्या है। राज्य में महानगरीय संख्या कितनी है, यानी कि 3 लाख प्लस जनसंख्या वाले जो नगर हैं उनको महानगर कहा जाता है, तो 3 है, एक धनबाद है, फिर जमशेदपुर है, फिर रांची है। राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 16.33% है, ठीक है। तो इतना जो है ऐसे जनसंख्या है 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का, बच्चों का भी डेटा होना चाहिए ताकि उन लोगों के लिए अच्छा से प्रोग्राम बनाया जा सके और उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो यही था आज का क्लास, बाकी कुछ पॉइंट आप लोगों को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे लास्ट क्लास में आपसे जो आपको जो है लास्ट क्लास में जो क्लास लिया गया था उसमें जो है सेंसस का डेटा आपको PDF प्रोवाइड नहीं कराया गया था, उसमें बोला था कि जो सेंसस होगा Part 1 और Part 2 दोनों को मर्ज करके आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोग रिवीजन करने बैठे तो एक ही पार्ट में आपको सारा मिल जाए सेंसस का डेटा। तो सेंसस का Part 1 और सेंसस का Part 2 जो है से आपको इसी यानी कि 4th पार्ट में जो है से मिल जाएगा, ठीक है। PDF इसका आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, रिवीजन पर्पज से चाहिए होगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, आई होप कि क्लास फ्रूटफुल रहा होगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद जरूर लिखिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।